सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम फाइन होंगे, सेफ होंगे। सो मेरे पास देखिए हीरो की एक्सपल्स 160R है और मेरे पास टीवीएस अपाचे RTR 160 है। 2V है ये, 2019 मॉडल BS4, और ये है आपकी 2020 मॉडल जो अभी रिसेंटली आई है। बहुत ही बढ़िया लुक है, आप देख सकते हो मेरे सामने है। बाकी मैंने जो इसका रिव्यू किया है डिटेल, वो आप जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा लिंक। एंड अगर आप सीट देखिए, सीट कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है इसकी। मैं कंपैरिजन बता देता हूँ इन दोनों का, फिर इन दोनों की परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। कंपैरिजन इतना है कि ये गाड़ी जो है ऑन रोड प्राइस इसकी है 1,20,000, ये है 1,21,000। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक आता है सिंगल डिस्क, एक आता है डबल डिस्क, जो आगे पीछे दोनों डिस्क होते हैं। सिंगल चैनल ABS पे आता है, इसमें भी दो मॉडल आते हैं, सिंगल डिस्क आता है और एक डबल डिस्क आता है। ये भी सिंगल चैनल ABS है, ये टॉप मॉडल है, ये सिंगल डिस्क वाली है। अगर मैं दोनों की पावर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 15.53 PS पावर, इसमें मिलती है 15.2 PS पावर। बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, बराबर है। टॉर्क आपको इसमें मिलता है 14 Nm एंड इसमें मिलता है आपको 13.9 Nm। अगर देखा जाए तो इसका PS ज़्यादा है तो इसका PS कम है, इसका Nm ज़्यादा है तो इसका Nm कम है, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अगर मैं वेट की बात करूँ तो ये आपको मिल जाती है 139.8 kg की और ये मिलती है 140 kg की, तो वेट भी अराउंड सेम है। तो चलिए इन दोनों की परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि दोनों बाइक में परफॉर्मेंस किसकी बेस्ट है, क्योंकि अभी ये हीरो वालों ने नई निकाली है। टायर की मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें आपको मिलते हैं 110 पीछे के सेक्शन और इसमें आपको मिलते हैं 130, तो पीछे का जो इसका प्रोफाइल है थोड़ा चौड़ा है इन कंपैरिजन टू अपाचे RTR 160। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट और बताते हैं कि तेज कौन है, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा इसकी इनिशियल और मिड रेंज बहुत अच्छी है और टॉप एंड में होप ये हो सकती है अच्छी। तो देखते हैं, एक टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तीन हॉर्न, तो जिस तरीके से मैंने सोचा था निकलेगी लेकिन नहीं निकल पाई अपाचे से आगे। अपाचे में ऑब्वियस सी बात है पावर ज़्यादा है, बट अगर मैं इंजन की रिलायबिलिटी की बात करूँ तो हीरो से परफेक्ट कोई नहीं है अभी इंडिया में, और एवरेज भी इसका अच्छा है। एवरेज टेस्ट में जल्दी लेके आऊँगा। चलिए राइडर चेंज करते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा वेट में भी ऊपर नीचे है। तो मैं अब ये चलाऊँगा अपाचे एंड भाई चला रहे हैं एक्सट्रीम। तो अभी अगर देखें तो इसका स्पीड इससे मतलब तेज़ नहीं है, बट एक चीज़ तुमने महसूस की होगी,
इसमें वाइब्रेशन पैर में कितना ज्यादा था और इसमें हाई स्पीड में भी वाइब्रेशन नहीं था। अगर आप जज करते हो स्पीड से तो यहाँ पे स्पीड से जज मत करो, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसमें वाइब्रेशन जीरो है, मतलब जीरो क्या मान लो 5%। और इस गाड़ी में मैं 118 की स्पीड पे था तो मेरे पैर ऐसे लग रहे थे कोई मेरे गुदगुदी मचा रहा मिंदी से। हाँ, और इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं था। और ये भी 118 गई और ये गई थी 120 गई थी मेरे से, तो इस साइड से 120 नहीं गई, मैंने लंबा कहाँ भगाया। हाँ, 120 ये गई है, 1820 भाई ने 124 भगाई है और ये गई है 118 मेरे से इस साइड से। अब तुमने कितनी भगाई मैंने नहीं देखा। 116 बाइक दोनों बढ़िया है प्राइस सेगमेंट को देखते हुए भी, और ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। तो मैं यही कहूँगा अगर मेरे को गाड़ी लेनी होती तो इस तरीके की गाड़ी भगाने के लिए नहीं होती है तो मैं हीरो के साथ जाता, क्योंकि ये थोड़ी रिलायबल है। अपाचे अच्छी है नो डाउट, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन वाइब्रेशन को भी देखता मैं सिटी में, क्योंकि वाइब्रेशन यार होगा तो फिर जन जनाता रहेगा आपका हाथ पैर। वाइब्रेशन और माइलेज दोनों, माइलेज बहुत दोनों मायने रखता है। हाँ। इसके माइलेज इसके कंपैरिजन मुझे कम ही लगता है जहाँ तक मुझे, लेकिन टेस्ट करूँगा मैं आप लोगों को बताऊँगा वो भी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइए, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, बहुत अच्छी लगी तो शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो भाई लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो दोस्तों के साथ अपने, जो जो ये गाड़ी लेना चाहते हैं। बाकी मैंने एक रिव्यू बनाया हुआ है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, तो जाके रिव्यू भी देखिए, इसके बारे में पूरी डिटेल बताइए। अभी मैं आगे इसके माइलेज के टेस्ट भी करूँगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, हमेशा बोलता हूँ हेलमेट ज़रूर होना चाहिए, चाहे कुछ भी करिए आप सब्जी लेने चाहिए चाहे दूध लेने चाहिए, हेलमेट ज़रूर पहनिए। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।